हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रबड़ी फ्लेवर की आइसक्रीम। बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसी अम्मी सी आइसक्रीम को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप चीनी। तो चीनी को हमें मेल्ट करना है, तो मैंने इसे हाई फ्लेम पर रखा है और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें और इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। और इसको हमें बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट करना है, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी तब हम इसमें यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो एक ग्लास दूध आप अपने साइड में ही रखें पहले से निकाल के, और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए पूरी तरह से तभी हम ये दूध इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये पूरा एक ग्लास मैंने दूध डाला है। अब यहाँ पर चीनी जो है थोड़ा सा जम जाएगी, जैसे जैसे दूध गर्म होगा वो उसमें मिक्स हो जाएगी और पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। पर स्टार्टिंग में इस तरह से ये चीनी आपको दिखेगी, पर ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी दूध के साथ जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा। तो दूध को हमें पकाना है। ये देखिए यहाँ पर दूध पकने लगा है और चीनी जो है हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है अभी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो कर लें तो ताकि ये नीचे से लगे ना और मिल्क पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आधा कप मैंने और डाला है, तो टोटल मैंने एक कप मिल्क पाउडर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह का ये हमारा गाढ़ा घोल रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची। तो इलायची से रबड़ी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लगभग ये इलायची पाउडर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अब हम ले लेंगे यहाँ पर एक बाउल और उसमें ले लेंगे व्हिप क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम व्हिप क्रीम ली है और इसको चिल्ड लेना है आपको, फ्रिज से बिल्कुल ठंडा ठंडा ही लेना है ताकि जब हम इसे विस्क करें तो ये बहुत तेज़ी से प्लफी हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, इसको अच्छे से राइज होने दूँगी। तो यहाँ पर जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और साइज़ में डबल हो जाएगी तब तक हम इसको बीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये काफ़ी साइज़ में डबल हो गई है और ये हमारी गाढ़ी हो गई है क्रीम काफ़ी। ये देखिए इस तरह की हमें ये क्रीम चाहिए। तो क्रीम रेडी होते ही ये हमारा जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है, इसको मैं इसमें क्रीम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। पूरा का पूरा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे, ये रबड़ी का फ्लेवर वाला। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर से पहले इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसे साइडों से निकाल के किसी पलटे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने इसको थोड़ा सा बीट कर लिया है। अब इसको मैं हटा दूँगी और यहाँ पर मैं एक स्पैटुला लेके इसको पूरे तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसका कलर भी थोड़ा सा क्रीम हो जाएगा। देखिए क्रीमी कलर हो गया है इसका, बिल्कुल वाइट नहीं रहा है। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी है। ये दिखने में ही कितना क्रीमी और शाइनी लग रहा है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉक्स में, जिसमें भी आप जमाना चाहें। यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक का एक बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैं पूरा मिक्सचर डाल दूँगी और इसको कवर करके हमें पूरी रात के लिए फ्रीजर में रखना है। उससे हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट होगी, बहुत अच्छे से जम जाएगी। तो आप इसको पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख दें। और अब मैं अगले दिन इस आइसक्रीम को निकाल रही हूँ और ये देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके स्कूप निकाल लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा आइसक्रीम स्कूप निकल रहा है और कितनी क्रीमी और टेस्टी ये दिखने में ही लग रही है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो हर बार आप इस आइसक्रीम को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया है और ये हमारी आइसक्रीम तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।